नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मैं आपको फिर एक और हवेली दिखाने के लिए लाया हूँ छतारी अलीगढ़ के अंदर। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये हवेली तकरीबन 400 साल पुरानी है और ये यहाँ के नवाबों की हवेली है। और हाँ, तकरीबन 400-450 साल पुरानी ये हवेली है। और अभी मैं आपको अंदर से इसके हिस्से दिखाऊंगा कि अंदर से किस तरीके से दिखती है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, ये कितनी सुंदर हवेली रही होगी किसी टाइम में ये। और ये देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त इसमें कारीगरी की गई है। ये देखिए, उस टाइम की सबसे सुंदर हवेली छतारी की, नवाब की थी ये हवेली। और देखिए, बहुत से हिस्से इसके सही सलामत थे, मतलब शीशे वगैरह आपको देख रहे होंगे। और देखिए, पूरी हवेली ऊपर से देखो शीशे लगे हुए हैं कुछ जगह। और ये वो रास्ते हैं जो अब ऊपर से बंद कर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये उसी टाइम की खिड़कियां हैं, कमाल की ये जगह, कमाल की कारीगरी। और यह है जी आपका छतारी की, नवाबों की हवेली, उसी टाइम के दरवाजे और उसी टाइम का ये सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, कमाल की कारीगरी। और ये पूरा उसी टाइम का सब कुछ है। ये देखिए यार, देखिए, वाह भाई वाह, उसी टाइम का ये एक अद्भुत हवेली नवाबों की। तो देख सकते हैं क्या गजब अब भी कारीगरी है उसी टाइम की। बहुत से हिस्से इसके टूट के गिर चुके हैं, लेकिन बहुत से हिस्से अब भी यों के तो ही खड़े हैं, मतलब कह लें तो ऐसे ही हैं आज भी। ये देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है छतारी का। ये छतारी अलीगढ़ में पड़ता है। और देखिए आप, यहाँ पर कभी नवाब बैठते होंगे कुर्सी डालकर, पूरे एरिया को निहारते होंगे जो पीछे है। और देखिए, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है ये, देखिए आप। ये देखिए, संगमरमर है, ये संगमरमर है भाई। हाँ, ये संगमरमर है। और देखो, ये उसी टाइम के दरवाजे हैं सब, देख रहे हो। लेकिन अंदर से बंद कर दिए गए हैं, ये अंदर से दरवाजे बंद हैं। देखिए, ये इधर साइड का व्यू है। और फर्श आज भी वैसा ही है जैसा कई सौ साल पहले होगा। और बहुत अद्भुत नज़ारा, वाह भाई वाह। क्या है उसमें, नीचे देखिए जरा, दिखाइए।
ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आधी हवेली नीचे है, मतलब आधी हवेली नीचे दब चुकी है। और ये सब आप देख सकते हो, पूरी हवेली कमाल की हवेली एकदम निर्योधक है। ये नीचे उतर लो करा भाई, नहीं जा पाएंगे नीचे भाई, इधर चमका की दोस्तों देखिए, छतारी के नवाबों की हवेली। डंगार उंगली मत दिखा, उंगली मत दिखा मेरे भाई। ये देखिए दोस्तों, उसी के टाइम की ये हवेली, और बड़ी ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और देखिए नीचे से ही ऐसी है, ये बिल्ली बैठी है, है? वो बैठी बिल्ली, बिल्ली है इसको। नीचे और भाई इससे भी नीचे देखो, ये घर है तो वो दिख रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, नीचे भी ये आधी हवेली नीचे दब चुकी है। अच्छा हाँ, ये पूरी हवेली आप देख सकते हैं, छतारी अलीगढ़ नवाबों की ये हवेली। देखिए जो नीचे जाने के रास्ते थे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं, मतलब बंद कर दिए गए हैं कि कोई नीचे नहीं जा सकता इसमें। और आप देख सकते हैं, ओ हो 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 हो, ये देखिए दोस्तों क्या गजब नज़ारा। ये उसी टाइम के मतलब शीशे वगैरह लगा रखे हैं, कमाल की ये चीज़ें। और हैं, और ये दोस्तों इस हवेली की नीचे भी आप चीज़ें देख रहे हो, ये देखिए कमाल की ये जगह, पूरा नीचे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, वो देखिए आप सामने शीशे के दरवाजे हैं, और बहुत सी छत इसकी टूट के गिर चुकी हैं, और बहुत सा हिस्सा इसका अब भी सही सलामत मौजूद है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देख कर चलना। और देखिए दोस्तों ये शीशे से बनी है नक्काशियाँ, और शायद इसके अंदर शीशा होता होगा, और देख सकते हैं आप कमाल है भाई, गजब इसकी हालत बहुत खराब है। दरवाजे तभी तो कर रही है, तेरे का बिल्कुल बाहर नहीं आया सड़क पे है? नहीं नहीं बिल्कुल बाहर नहीं है, हाँ गेट पे, गेट पे, गेट पे। और ये देखिए दोस्तों उसी टाइम का एक ये पेड़ है बीच में बिल्कुल। और इस हवेली में भी चमगादड़ों का बसेरा हो चुका है, तो देख सकते हैं आप, कभी उस पर बीच में नवाब बैठते होंगे, और पूरा दरबार यहाँ पर सजता होगा। ये देख सकते हैं आप क्या, ओ, बहुत यार बहुत, बहुत ही अंदर इसके चमगादड़ों का बसेरा है। अब बहुत ख़राब इस हवेली की हालत है इस टाइम, ये देख सकते हैं। इसके नीचे जाने के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर बंदरों का भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक बंदर देखा था हमने। और ये देखिए आप पूरी ये हवेली, देखिए उसी टाइम की पूरी हवेली टूटी हुई, देख सकते हैं। वो उधर से कह रही थी आंटी, वो घूम के आना पड़ेगा तुम्हें उधर से, आगे से आना जरा इधर आओ तो सही। ये देखिए आप, और दोस्तों ये हवेली भी बहुत ऊंचाई पे बनी हुई है, और देख सकते हैं आप कि वो नीचे छतारी शहर। और ये देखिए क्या कमाल का नज़ारा, अरे इधर आओ ना, चलिए दोस्त वहाँ पर जा रहे हैं तो थोड़ा उधर भी चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये हवेली दोस्तों, ये देखिए कमाल, ये ऊपर और जाने का रास्ता है, मरवे का रास्ता है मरवे का, मरने का नहीं। ये देखिए, अरे वाह,
क्या बात है, छतारी के नवाबों की हवेली और हवेली के ऊपर से ये पूरे शहर का नज़ारा। छतारी आप देख सकते हैं, देखिए पूरा शहर यहाँ से दिखता है, और वो सामने मस्जिद है, और ये पूरा नवाबों की हवेली, कितना अद्भुत नज़ारा है ये, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पूरी हवेली अब एक वीरान खंडर में मौजूद है। यहाँ के जो नवाब थे वो इस हवेली को छोड़ के जा चुके हैं, और देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से हवेली दिखती है, ये देखिए आप बीच का एक जो पेड़ खड़ा है वहाँ पर वो है ये। ओ यहां की लैटिन कैसी है, ये छत है भाई। दोस्तों ये है पुराने टाइम की पॉटी करने की जगह, ये देख सकते हैं आप, क्या बात है, ये था लैटरिन उस टाइम का। भाई नीचे पूरी हवेली मौजूद है इसके, भाई इसे तो कुछ ना दिख रहा है, अंधेरा ही लग रहा है, कबू भाई बहुत हवेली चल रही है। ये खुल रहा है, खुल रहा है, वो हम तो वहां निकल जाएंगे ना, ये किधर जा रहा है, इधर हो गए क्यों, भाई सीधे वहां निकल जाएंगे, गेट लग रहा है, गेट लग रहा है इधर, अभी तो कह रहा हूं, हां इधर गेट लग रहा है, ये दोस्तों नीचे से जाने का रास्ता बंद किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये हवेली उस टाइम जब होगी सही सलामत तो कितनी भव्य और सुंदर होगी, इस बात का आप इस जगह को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनका ये अब निवास स्थान है, और ये ऊपर से हवेली, और जस्ट इसके बराबर में एक मस्जिद है, जैसे हर जगह होती है, मतलब जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो अपनी हवेलियों के आसपास मस्जिद ज़रूर बनवाते थे। एक ये हिस्सा है पूरा का पूरा, और एक हिस्सा पीछे है जो पूरा जर्जर हालत में टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप वो, देखिए। और अब ये हवेली बहुत हद तक टूट चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस हवेली के मालिक हैं उन्होंने कुछ हिस्सा इसका रिनोवेट करवाया है, पत्थर वगैरह, ये देख सकते हैं आप।